बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट लैब टर्मिनोलॉजीज विच आर यूज्ड इन लेबोरेटरी। तो आज के लेक्चर में हम लेबोरेटरी टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में आपको बताया जाएगा जो ड्यूरिंग प्रैक्टिकल या ड्यूरिंग लैब वर्किंग जो है वो कॉमन यूज़ होती है। तो डिफरेंट प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले लैब टर्मिनोलॉजीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लेक्चर जो है हमारा बेसिकली वो लेबोरेटरी टर्मिनोलॉजीज़ पे ही है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्यूरेसी, एग्रीमेंट बिटवीन योर टेस्ट रिजल्ट वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। बेसिकली एक्यूरेसी जो है वो किसी टेस्ट की एक्यूरेसी हम कहते हैं कि कोई टेस्ट हमारा कितना ठीक हुआ है, मतलब कितने परसेंट ठीक है या कितने परसेंट एक्यूरेट है। तो इस चीज़ को हम एक्यूरेसी कहते हैं। हाउ करेक्ट योर रिजल्ट इज, कि कितना आपका रिजल्ट जो है वो ठीक है। द एग्रीमेंट बिटवीन योर टेस्ट रिजल्ट वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू, कि उस एनालाइट में या उस टेस्ट की जो ट्रू वैल्यू है वो क्या है और आपका जो टेस्ट आपने लगाया है उसकी वैल्यू जो है उस ट्रू वैल्यू के कितने करीब है, उससे कितना मैच कर रही है। तो ये चीज़ हमारी एक्यूरेसी कहलाती है। देन एफिनिटी, एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन सब्सटेंस आर पार्टिकल दैट काजेज देम टू एंटर इनटू एंड रिमेन इन केमिकल कम्बिनेशन, फॉर एग्जांपल बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडी टू एंटीजन। एफिनिटी बेसिकली जो है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है एंटीजन की या एंटीबॉडी की या किसी भी सब्सटेंस या किसी पार्टिकल की, एक अट्रैक्टिव फोर्स जिसकी वजह से वो दोनों आपस में बाइंड करती हैं और एक केमिकल कम्बिनेशन बनाती हैं। तो इस चीज़ को हम अफेनिटी का नाम देते हैं। तो डिफरेंट तो इसकी एग्जांपल जब हम देखते हैं तो एंटीबॉडी एंटीजन के साथ बाइंड करती है और जितना जल्दी या जितने अच्छे से वो बाइंड करेगी उसको हम एंटीजन या एंटीबॉडी की अफेनिटी कहेंगे। देन एग्रीगेशन, द ग्रुपिंग ऑफ यूनिट्स आर पार्ट्स इन टू अ मैस आर होल। बेसिकली एग्रीगेशन जो है इसको हम ग्रुपिंग ऑफ यूनिट्स आर पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स मिलकर जब एक ग्रुप बनाएंगे या एक मैस बनाएंगे तो उसको हम एग्रीगेशन का नाम देंगे। लाइक अगर हमारे पास कोई सैंपल है, ब्लड सैंपल की एग्जाम्पल ले लें, तो उसमें अगर प्लेटलेट्स जो हैं वो इकट्ठे एक ही जगह पर उनका क्लॉट बना हुआ है या RBCs का क्लॉट बना हुआ है तो हम उसको कहेंगे कि इनमें एग्रीगेशन है, इसके जो प्लेटलेट्स हैं वो एग्रीगेट किए हुए हैं और इस प्रोसीजर को हम एग्रीगेशन कहेंगे। देन एलिक्यूएट, द डिवीजन ऑफ अ सैंपल इनटू एटलीस्ट टू स्मॉलर साइज वाइल्स। तो एलिक्यूएट जो है बेसिकली हम डिवाइड करते हैं अपने एक सैंपल को इनटू एटलीस्ट टू स्मॉलर साइज वाइल्स, अलग से जो है उनको हम दो वाइल्स में जो है वो डालते हैं, तो इसको हम एलिक्यूएट्स कहते हैं। बेसिकली हमारी जो एक हमारे पास जो एक सैंपल आता है, सैंपल जो है वो एक ब्लड वाइल में होगा, तो फर्दर अगर उसको हमने डिवाइड करना है तो छोटी छोटी जो है वो क्यूविट्स मिलती हैं जिनको हम एलिक्यूट कहते हैं, तो उनमें हम अपना सैंपल फर्दर डाल सकते हैं और मेन जो सैंपल था उसको डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू पार्ट्स। देन एनालाइट, द केमिकल सब्सटेंस बीइंग मेजर्ड इन एन एसे यूजुअली कंटेन्ड इन ब्लड और अदर बॉडी फ्लूइड। तो बॉडी फ्लूइड या ब्लड में जिस सब्सटेंस को हम मेजर कर रहे होंगे उस केमिकल सब्सटेंस को हम एनालाइट कहेंगे। लाइक अगर हमारा ब्लड सैंपल है, ब्लड सैंपल में हमने ग्लूकोज की एस्टिमेशन करनी है, तो जो हमारा ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज जो हमारे सैंपल में ग्लूकोज होगा उसको हम एनालाइट कहेंगे। जिसकी हमने मेजरमेंट करनी है तो उसको हम एनालाइट कहेंगे जो हमारे ब्लड में शामिल है, या कोई बॉडी फ्लूइड भी हो सकता है। बॉडी फ्लूइड में लाइक कोई आप बॉडी फ्लूइड लेते हैं और उसमें आप टोटल प्रोटीन चेक करते हैं, तो टोटल प्रोटीन जो है वो हमारा एनालाइट होगा। देन एंटीबॉडी, एंटीबॉडी अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाई आवर बॉडी इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन। तो एंटीबॉडी जो है बेसिकली प्रोटीन है, प्रोटीन इन नेचर है और तब प्रोड्यूस होती है जब एंटीजन जो है हमारे बॉडी में एंटर होती है।
एंटीजन बेसिकली जो है वो फॉरेन मटेरियल है जो बाहर से हमारी बॉडी में एंटर होता है, वो कोई पैथोजन हो सकता है या कोई भी चीज़ हो सकती है। तो उसके रिस्पॉन्स में जो प्रोटीन प्रोड्यूस होगी, हमारी बॉडी जो प्रोटीन प्रोड्यूस करेगी उसको हम एंटीबॉडी कहेंगे। देर आर 5 क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज, IgG, IgM, IgE, IgA एंड IgD। तो 5 क्लासेज एंटीबॉडीज की, द एंटीबॉडी बाइंड टू एंड न्यूट्रलाइज द एंटीजन। बेसिकली एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन के साथ बाइंड करती है, स्पेसिफिक एंटीबॉडी स्पेसिफिक एंटीजन के साथ बाइंड करती है और देन एंटीबॉडी जो है वो न्यूट्रलाइज कर देती है एंटीजन को। एंटीजन का जो इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज कर देती है और फर्दर एंटीजन लाइक पैथोजन जो है वो डिजीज नहीं काज कर सकता। देन एंटीकोएगुलेंट, एंटीकोएगुलेंट अ सब्सटेंस अ केमिकल दैट स्टॉप्स द ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग। तो एंटीकोएगुलेंट बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा एक केमिकल है जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। तो लास्ट टाइम डिस्कस किया था एंटीकोएगुलेंट्स के बारे में। एंटीकोएगुलेंट्स बेसिकली जो है वो क्लॉटिंग मैकेनिज्म, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनको जो है वो ये डिस्टर्ब करती है, लाइक कैल्शियम, कैल्शियम की चिलेशन कर देती है जिससे जो है वो क्लॉटिंग प्रोसीजर ब्लड का वो स्टॉप हो जाता है और ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होता। तो दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एंटीकोएगुलेंट्स। देन एंटीजन, एंटीजन आर यूजली फॉरेन सब्सटेंस विच एंटर द बॉडी। एंटीजन जो है वो बेसिकली जो है बाहर की कोई चीज़ है विच एंटर द बॉडी, जो हमारी बॉडी में एंटर होती है एंड ट्रिगर द इम्यून सिस्टम, और हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है, उसको ट्रिगर करती है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ताकि एंटीबॉडीज जो है उसकी प्रोडक्शन हो इन ऑर्डर टू फाइट ऑफ द पोटेंशियल इन्फेक्शन। और जो एंटीबॉडीज हैं वो फर्दर जो है वो फाइट करती हैं उस पोटेंशियल इन्फेक्शन या उस एंटीजन के अंगेंस्ट। द एंटीजन कैन बी टॉक्सिन्स, एंटीजन जो हैं वो टॉक्सिन्स भी हो सकती हैं, फॉरेन ब्लड सेल्स भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया और सेल्स ऑफ द ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन। या कोई ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन, अगर हम कोई ऑर्गन जो है वो ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो भी एज अ एंटीजन जो है हमारी बॉडी उसको ले सकती है। देन बैक्टीरिया हैं, ब्लड सेल्स हैं एंड टॉक्सिन्स हैं। तो ये एंटीजन्स की ये टाइप्स हैं और इनके जब ये बॉडी में एंटर होंगी तो इनके नतीजे में जो होगा वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी। देन एंटी माइक्रोबियल, द टर्म गिवन टू अ ग्रुप ऑफ ड्रग्स दैट इनहिबिट द ग्रोथ और डिस्ट्रॉयज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटी माइक्रोबियल बेसिकली, एंटी माइक्रोबियल आर ऑल्सो कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। एंटी माइक्रोबियल या एंटीबायोटिक्स जो है वो एक ही टर्म है। तो ये हम उन ड्रग्स को देते हैं, अ ग्रुप ऑफ ड्रग्स को नाम दिया जाता है एंटी माइक्रोबियल या एंटीबायोटिक्स का, जो इनहिबिट करती हैं द ग्रोथ, जो ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं या किल कर देती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। बेसिकली एंटी माइक्रोबियल या एंटीबायोटिक्स जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया के अंगेंस्ट जो दी जाने वाली ड्रग्स हैं उनको हम एंटी माइक्रोबियल या एंटीबायोटिक्स कहते हैं। देन ऐसे अ डायग्नोस्टिक टेस्ट टू मेयर द कंसेंट्रेशन और लेवल ऑफ अ पार्टिकुलर एनालाइट। तो ऐसे जो है बेसिकली एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं टू मेयर द कंसेंट्रेशन और लेवल ऑफ अ पार्टिकुलर एनालाइट, जो कि एक पार्टिकुलर एनालाइट की कंसेंट्रेशन, एक पार्टिकुलर पैरामीटर की कंसेंट्रेशन या उसका लेवल जो है वो बॉडी में मेजर करने के लिए जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसको हम ऐसे कहते हैं। देन ऐसे रेंज डिस्क्राइब द हाईएस्ट एंड लोएस्ट कंसंट्रेशन एट विच आर रिएक्शन स्टिल मेजरेबल। बेसिकली ऐसे रेंज जो है वो किसी भी एनालाइट की जो है वो गिवन वैल्यू है बॉडी में। लाइक अगर आप ग्लूकोज की एग्जांपल लेते हैं तो ग्लूकोज की जो नॉर्मल रेंज है, इसकी जो बेसिकली जो रेंज है नॉर्मल रेंज, हम उसकी जो है वो दो लिमिट्स हैं, एक अपर रेंज है और एक लोअर रेंज है। तो हमारी जो अपर रेंज और लोअर रेंज, हमारा जो रिजल्ट है वो अपर रेंज में आता है या लोअर रेंज या इन दोनों के दरमियान में आता है। अगर पेशेंट, अगर जो इंडिविजुअल है वो हेल्दी है, अगर इंडिविजुअल में कोई एबनॉर्मेलिटी है तो उसकी जो होगी ऐसे की रेंज जो होगी या ऐसे के जो रिजल्ट, रिजल्ट की जो वैल्यू होगी वो अपर रेंज से ऊपर होगी या लोअर रेंज से नीचे होगी, अगर वो, अगर उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी है। बेसिकली ऐसे की जो रेंज है इसमें देखा जाता है कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन क्या है और लोएस्ट कंसंट्रेशन क्या है। और हमारा जो टेस्ट है, मोस्टली जो हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं या ऐसे लगा रहे होते हैं, उसकी जो रेंज है इन दोनों के दरमियान फॉल करनी चाहिए। एस्पायरेशन, द विदड्रॉवल ऑफ फ्लूइड आर टिश्यू। एस्पायरेशन बेसिकली विदड्रा करना
किस फ्लूइड फ्लूइड को या टिश्यू को बॉडी से जो है वो विड्रॉ करना प्रेशर अप्लाई करते हुए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स के जरिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए जो है विड्रॉवल ऑफ फ्लूइड और टिश्यू इज कॉल्ड एस्पायरेशन बाय अ वाश प्रोब ऑन एन एनालाइजर। तो इसकी एग्जांपल वो दे रहा है कि एक वाश प्रोब है जो एनालाइजर के ऊपर लगी होती है और बेसिकली ये सैंपल को जो है वो पिक करती है और फर्दर आगे जो है वो सैंपल की प्रोसेसिंग होती है। तो ये एग्जांपल दे रहा है एस्पायरेशन का, लाइक कल ही हमने डिस्कस किया था बोन मैरो एस्पायरेशन। तो वो भी बेसिकली जो था बोन मैरो हम एस्पायरेट कर रहे थे थ्रू नीडल, तो उसको हमने एस्पायरेशन का नाम दिया था। देन इक्वस, द टर्म इक्वस सिंपली मीन डिजॉल्व्ड इन वाटर। इक्वस टर्म जहाँ पे भी यूज होगी तो इसका मतलब है कि इट इज़ रिलेटेड टू वाटर, कि वाटर रिलेटेड चीज़ है या ऐसी चीज़ है जो डिजॉल्व्ड है इन वाटर। तो डिजॉल्व फॉर्म में डिजॉल्व्ड इन वाटर जो भी चीज़ होगी हम उसको नाम देंगे इक्वस। देन बेंच टॉप, दिस टर्म सिंपली रेफर टू अ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बेसिकली ये जो टर्म है ये रेफर करती है पोजीशन के, पोजीशन बताती है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो बताती है। ऑन टॉप ऑफ अ बेंच, लाइक हम यूज़ करते हैं ऑन टॉप ऑफ अ बेंच, बेंच के ऊपर या बेंच के टॉप पे। हाउएवर इन अ साइंटिफिक सेटिंग, साइंटिफिक सेटिंग में जो है जब हम इसकी बात करेंगे, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एनालाइजर विच इज़ स्मॉल इनफ टू फिट ऑन द टॉप ऑफ लेबोरेटरी बेंच वर्क बट इज़ टू लार्ज टू बी अ पॉइंट ऑफ केयर सिस्टम। तो बेसिकली अगर हम साइंटिफिक सेटिंग में इसको देखें तो ये जो टर्म है ये डिस्क्राइब करती है एक ऐसे एनालाइजर को जो कि बहुत ज़्यादा समाल है, इतना समाल है कि हम उसको जो है वो टॉप ऑफ द लेबोरेटरी बेंच जो है हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं। बट इट इज़ टू लार्ज, लेकिन वो इतना ज़्यादा लार्ज है कि उसको हम पॉइंट ऑफ केयर सिस्टम में जो है वो हम इंस्टॉल नहीं कर सकते या वहाँ पे हम नहीं रख सकते। बेसिकली पॉइंट ऑफ केयर सिस्टम, पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग में जो है ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो हम किसी भी पेशेंट के जो है वो बेड के साथ रख सकते हैं और हम उसको जो है वो पेशेंट तो उधर ही रहेगा, अपनी जगह पर रहेगा, अपने बेड पर रहेगा और उस एनालाइजर को यूज़ करते हुए लाइक ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर जो है वो एक पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग सिस्टम का एक एनालाइजर है। तो उससे जो होगा हम टेस्टिंग जो है वो पेशेंट्स की हम बेड टू बेड वो करते जाएंगे। तो बेंच टॉप में बेसिकली ऐसे एनालाइजर आते हैं जिसमें जो है वो एनालाइजर को हम टॉप पे अपने जो है वो बेंच अपने जहाँ पे हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ पे जो हम रख सकते हैं, लेकिन इसे हम पॉइंट ऑफ केयर सिस्टम में इंक्लूड नहीं कर सकते। देन बाइज, द टर्म बाइज रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड एन एक्सपेक्टेड रेफरेंस वैल्यू। तो बाइज बेसिकली जो है वो टर्म रेफर की जाती है डिफरेंस को बिटवीन एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड एन एक्सेप्टेड रेफरेंस वैल्यू। एक एक्सेप्टेड जो रेफरेंस वैल्यू है उसके दरमियान और एक्सपेक्टेड रिजल्ट के दरमियान जो डिफरेंस होगा उसको हम रेफर करेंगे बाइज। बाइज बेसिकली जो है वो एक इस तरह कह लें कि आप रॉन्ग वैल्यू को भी हम कह सकते हैं या किसी एरर को भी हम बाइज कह सकते हैं। और बेसिकली जब लैब में हम बाइज का वर्ड यूज़ करेंगे तो ये डिफरेंस है बिटवीन एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू थी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, एंड एन एक्सेप्टेड रेफरेंस वैल्यू। और हमारी जो रेफरेंस वैल्यू हमें दी गई है अपर रेंज जो थी हमारी वो उससे जो होगा एक्सपेक्टेड रिजल्ट बहुत ज़्यादा अगर वेरी करेगा, दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा तो उसको हम टर्म को हम नाम देंगे बाइज का। लाइक ग्लूकोज की एग्जांपल लेते हैं। ग्लूकोज अगर पेशेंट नॉर्मल है और ग्लूकोज एस्टिमेशन हम करते हैं तो ग्लूकोज की वैल्यू जो है वो 40 आती है या 30 आती है जो कि लोअर रेंज से बहुत कम है और ये वैल्यू जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है और ये एक्सेप्टेबल ये वैल्यू बिल्कुल ही नहीं है और इस वैल्यू पे जो पेशेंट है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इस वैल्यू को हम कहेंगे कि ये बाइज है, ये किसी जो है वो एरर की वजह से इतनी कम वैल्यू आ रही है हालांकि जो पेशेंट है वो तो नॉर्मल है। देन बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर्स एंड वाइटल प्रोसेस दैट अकर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोकेमिस्ट्री बेसिकली लैब का जो है वो एक अलग सेक्शन है
जिसमें हम बायोकेमिस्ट्री में केमिकल स्ट्रक्चर्स और वाइटल प्रोसेसेस जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं तो इनको हम स्टडी कर रहे होते हैं। बायोकेमिस्ट स्टडी द कंपाउंड्स इन द बॉडी, बॉडी में जो कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी करता है, हाउ दीज रिजल्ट इन केमिकल प्रोसेस, और देखता है कि किस तरह से ये केमिकल प्रोसेस में जो है ये काम कर रहे हैं। दे सीक टू अंडरस्टैंड सच प्रोसेसेस बोथ विद इन हेल्दी एंड अनहेल्दी ऑर्गेनिज्म, और वो ये जो प्रोसेस हैं ये देख रहे होते हैं हेल्दी इंडिविजुअल में भी और अनहेल्दी ऑर्गेनिज्म में भी। बेसिकली बायोकेमिस्ट्री में जो है हमारी बॉडी के जितने भी केमिकल टेस्ट हैं वो बायोकेमिस्ट्री में जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं, लाइक ग्लूकोज एस्टिमेशन है, कोलेस्ट्रोल है, कोलेस्ट्रोल की एस्टिमेशन है, ट्राइग्लिसराइड की एस्टिमेशन है, देन आरएफटीज हैं, सीरम क्रेटिनिन, सीरम यूरिया, सीरम यूरिक एसिड, देन एलएफटी एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट में लाइक टोटल बिलीरोबिन, डायरेक्ट बिलीरोबिन, देन एएलटी एस्टिमेशन, एएसटी एस्टिमेशन, अल्कलाइन फास्फेटेज एस्टिमेशन, तो ये हमारे केमिकल जो है बायोकेमिस्ट्री में ये टेस्ट परफॉर्म हो रहे होते हैं। देन बायोचिप सॉलिड सबस्ट्रेट ऑन टू विच रिएक्टिव सीपीसी आर प्री फैब्रिकेटेड फॉर द डिटेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक एनालाइट। बायोचिप बेसिकली जो है एक ऐसा सॉलिड सबस्ट्रेट है जिसके अंदर जो हमारी रिएक्टिव सीपीसी हमने जो है वो उसके अंदर हमने इम्बेड की होती है फॉर द डिटेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक एनालाइट, ताकि जो स्पेसिफिक एनालाइट है उसको हम डिटेक्ट कर सकें। देन बायोलॉजिकल वेरिएशन, द मीन फॉर ईच लेबॉरेटरी रिजल्ट विल नॉट बी एग्जैक्टली द सेम। बायोलॉजिकल वेरिएशन जो है वो हर लेबॉरेटरी की जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकती, हर जो लेबॉरेटरी है उसकी जो हर लेबॉरेटरी में अलग एनालाइजर पड़े हुए हैं, अलग जो है वो रिएजेंट्स यूज हो रहे हैं, और जो टेक्निक्स है या परफॉर्म करने वाले जो वर्कर्स हैं वो भी अलग हैं, डिफरेंट वर्कर्स की टेक्निक्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, और डिफरेंट लेबॉरेटरीज का टेम्परेचर डिफरेंट होता है, फिजिकल उनकी जो लोकेशन है वो डिफरेंट हो सकती है, इसलिए जो है बायोलॉजिकल वेरिएशंस आती हैं लेबॉरेटरी के रिजल्ट में। द इंडिविजुअल होम्योस्टैटिक सेटिंग पॉइंट्स यूजुअली वेरी, जिस तरह से इंडिविजुअल की भी होम्योस्टैटिक जो सेटिंग है उसके जो पॉइंट्स हैं वो वेरी करती हैं। दिस डिफरेंस इज नोन एज बायोलॉजिकल वेरिएशन, इस डिफरेंस को जो है वो हम बायोलॉजिकल वेरिएशन का नाम देते हैं। देन बायोटेक्नोलॉजी एज द सेम एज द नेम सजेस्ट, दिस फील्ड ऑफ स्टडी इज अ कम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली जो है एक ऐसी फील्ड है जिसमें जो है बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी दोनों यूज हो रही होती है। इट इज प्राइमरली कंसर्नड विद द टेक्निकल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोसेस, इसमें जो है वो टेक्निकल एक्सप्लॉयटेशन हो रही होती है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की थ्रू माइक्रो बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल टेक्निक, सेल कल्चर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स आर यूज्ड टू एक्टिवेट टारगेट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, यूज्ड इन कॉन्जुगेशन विद जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म टू प्रोग्राम सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। तो बेसिकली जो बायोटेक्नोलॉजी है इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए उन पर टेक्नोलॉजी अप्लाई करते हुए डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनवाते हैं, उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है वो स्पेसिफिक टास्क जो है उनको हम दे सकते हैं और उनसे जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनवा सकते हैं बाय यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये जो फील्ड है ये बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। बायोटेक्नोलॉजी से मैक्सिमम जो है ऐसी जो प्रोडक्ट्स जो हैं बायोटेक्नोलॉजी के जो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स हैं वो लैब में जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं। देन ब्लड क्लॉटिंग आल्सो नोन एज कॉन्जुगेशन कोएगुलेशन आल्सो नोन एज कोएगुलेशन परफॉर्म्स द वाइटल टास्क ऑफ प्रिवेंटिंग एक्सेसिव ब्लड लॉस इन द इवेंट ऑफ इंजरी। ब्लड क्लॉटिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक्सेसिव ब्लड लॉस के लॉस नहीं होने देता, उसको प्रिवेंट करता है। जब कोई इंजरी अगर किसी पेशेंट को कोई इंजरी होती है तो उसके नतीजे में जब ब्लड लॉस होना शुरू होता है या ब्लीडिंग होना स्टार्ट होती है तो ब्लड क्लॉटिंग जो है एक ऐसा प्रोसीजर है जो एक्टिवेट होता है और ब्लड को जो है वो क्लॉट कर देता है और फर्दर जो है वो ब्लीडिंग को स्टॉप कर देता है। लीकेज ऑफ ब्लड इज प्रिवेंटेड बाय ब्लड सेल स्टिकिंग टू द वाउंड, इसी तरह से जो ब्लड सेल्स हैं वो स्टिक करते हैं टू द वाउंड जख्म पे और फर्दर जो ब्लड की ब्लड का लीकेज है वो स्टॉप हो जाता है। हाउएवर क्लॉटिंग कैन समटाइम्स फेल टू अकर
दिस इज नोन एज हीमोफीलिया। इसी तरह से अगर ब्लड क्लॉटिंग ठीक नहीं है, जो कोएगुलेशन जो है वो ठीक नहीं हो रही, तो उस डिज़ीज़ को हम हीमोफीलिया का नाम देते हैं। हीमोफीलिक पेशेंट जो हैं उनमें ब्लड क्लॉट नहीं होता, और अगर माइनर इंजरी भी हो जाए उन्हें तो उनका जो ब्लड है मैक्सिमम ब्लड जो है वो लॉस हो जाता है, ब्लड लॉस हो जाता है। देन ब्लड गैस एनालिसिस, द बॉडी हैज मैनी फंक्शंस, वन क्रिटिकल फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट एंड एक्सक्रीशन। मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंस आर गैसेज, और मोस्टली जो है ये सब्सटेंसेस जो हैं वो गैसेज में हैं। देयरफॉर ब्लड गैस एनालिसिस डिटरमाइन देयर कंसंट्रेशन इन आर्टीरियल एंड वेनस ब्लड। इसी तरह से बेसिकली ब्लड गैस एनालिसिस जो है ये एक काफ़ी क्रिटिकल टेस्ट है, और मोस्टली जो है वो आईसीयू में इंटेंसिव केयर यूनिट में जो पेशेंट एडमिट होते हैं तो उनका हम ब्लड गैस एनालिसिस जो है वो कर रहे होते हैं। इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स जो है इनको देखा जाता है जो डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं ब्लड में, और ब्लड जो है ब्लड में इनकी कंसंट्रेशन जो है वो देखी जाती है। ब्लड आर्टीरियल ब्लड हो सकता है या वेनस ब्लड हो सकता है। देन ब्लड स्क्रीनिंग, ब्लड स्क्रीनिंग इज यूज टू डिटेक्ट द पैथोजन विच काज द सिम्टम्स लेस डिजीज। तो ब्लड स्क्रीनिंग बेसिकली जो है एक ऐसे टेस्ट, ब्लड स्क्रीनिंग में ऐसे टेस्ट इंक्लूड हैं जिनमें जो है पैथोजन जो है वो डिटेक्ट किया जाता है। जो पेशेंट है वो सिम्टम्स लेस होता है, वो एसिम्टोमेटिक होता है, पेशेंट जो है वो कोई सिम्टम शो नहीं कर रहा होता, लेकिन उनमें जो है वो डिजीज़ या उनमें जो पैथोजन है वो पैथोजन जो है उनके अंदर प्रेजेंट होता है। एन इफेक्टिव डायग्नोसिस दैट अलाउज द करेक्ट ट्रीटमेंट टू बिगिन इन गुड टाइम, दस इम्प्रूविंग द पेशेंट आउटकम। बेसिकली स्क्रीनिंग टेस्ट जो है ये हम बहुत स्टार्ट में जो है वो स्टार्ट करते हैं, पेशेंट डिजीज़ जो है डिजीज़ के स्टार्ट में बेसिकली ब्लड स्क्रीनिंग की जाती है, और इससे जो है वो करेक्ट ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। उसके अलावा इफेक्टिव डायग्नोसिस की वजह से जो डिजीज़ है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन की तरफ नहीं जाती, और उसके स्टार्ट में ही उसका जो ट्रीटमेंट हो जाता है। ब्लड स्क्रीनिंग इज़ आल्सो परफॉर्म्ड ऑन डोनेटेड ब्लड टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव एनी इन्फेक्टेड ब्लड। इसी तरह से ब्लड स्क्रीनिंग जो है मोस्टली ब्लड स्क्रीनिंग की जाती है डोनर के ब्लड को, जो ऐसा इंडिविजुअल या ऐसा ब्लड जो किसी इंडिविजुअल से हम लेते हैं जो ब्लड डोनेट कर रहा होता है, तो उसकी जो है हम प्रॉपर स्क्रीनिंग करते हैं ताकि उसमें उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें कोई जो है वो पैथोजन तो नहीं है। इसी तरह से डिफरेंट डिजीज़ हैं जो ब्लड बॉर्न डिजीज़ हैं और ब्लड के ज़रिए जो है वो ट्रांसमिट होती हैं, तो उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग की जाती है, और स्क्रीनिंग करने के बाद ही जो ब्लड है वो आगे जो रेसिपिएंट है उसको जो है वो डोनेट किया जाता है। देन बफर, अ लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स। बफर बेसिकली एक लिक्विड सॉल्यूशन है जिसके अंदर जो है ना डिफरेंट केमिकल्स पाए जाते हैं विच कंट्रोल एंड मेंटेन द पीएच ऑफ एनी अदर सॉल्यूशन इट इज एडेड टू। इस तरह से जो है ये प्राइमरी जो ये बेसिकली जो है वो पीएच को मेंटेन करता है। बफर सिस्टम जो है आपको आपने केमिस्ट्री में काफ़ी डिटेल से पढ़ा होगा, तो बफर सिस्टम जो है ना बेसिकली एक ऐसा लिक्विड है जो कि किसी भी सॉल्यूशन की जो है वो पीएच को मेंटेन करता है। देन कैलिब्रेशन, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप आर स्टैंडर्डाइजिंग एन एसे यूजिंग अ कैलिब्रेटर आर स्टैंडर्ड ऑफ नॉन कंसंट्रेशन। बेसिकली कैलिब्रेशन जो है इसमें नॉन कंसंट्रेशन या नॉन स्टैंडर्ड जो है वो यूज़ किए जाते हैं, और डिफरेंट एनालाइजर्स की जो है वो कैलिब्रेशन की जाती है ताकि वो उनकी जो वर्किंग है वो ठीक हो सके। When the data generated is analyzed, this can then be used to calculate results for any subsequent sample of unknown concentration. इसी तरह से जो है कैलिब्रेशन में अगर फर्दर जब एनालाइजर की कैलिब्रेशन हो जाती है तो फर्दर जो हम उस पर टेस्ट लगाते हैं तो जिनकी वैल्यूज जो हैं वो अननोन कंसंट्रेशन होती है, सैंपल में जो एनालाइट है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो अननोन होती है। तो बेसिकली जो है वो कैलिब्रेट जब हमारा एनालाइजर हो जाता है तो जब हम उस पर टेस्ट लगाते हैं तो हम जो है वो ये मेक श्योर कर रहे होते हैं कि हमारा जो अननोन कंसंट्रेशन है या एनालाइट है जो हम डिटेक्ट कर रहे हैं उसका जो उसकी जो वैल्यू होगी वो ठीक होगी। इट एडजस्टेड द एक्यूरेसी ऑफ एन ऐसे मेथड, और ये किसी भी ऐसे मेथड का जो है एक्यूरेसी जो है उसकी वो मेनटेन करता है। देन कैलिब्रेटर, अ मटीरियल, कैलिब्रेशन जो था ये एक प्रोसेस था। देन कैलिब्रेटर जो है कैलिब्रेशन में जो केमिकल यूज़ होगा उसको हम कैलिब्रेटर कहेंगे। कैलिब्रेटर जनरली सीरम बेस्ड, मोस्टली जो कैलिब्रेटर हैं वो सीरम बेस्ड होते हैं विद एन एक्यूरेटली असाइंड एनालिटिकल वैल्यू, जो कि एनालिटिकल की जो वैल्यू है
उनको असाइन की हुई होती है, यूज टू कैलिब्रेट द डायग्नोस्टिक ऐसे, और किसी भी डायग्नोस्टिक ऐसे को जो है वो कैलिब्रेट करने के लिए यूज होते हैं। देन कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी इज असेंशली द स्टडी डायग्नोसिस ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज, हार्ट डिसऑर्डर्स की जो है वो स्टडी है, डायग्नोसिस है और ट्रीटमेंट जो है वो कार्डियोलॉजी कहलाती है। कार्डियक रिलेटेड कंडीशंस आर लीडिंग काज ऑफ द डेथ इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड, देयरफॉर द एरिया ऑफ कार्डियोलॉजी इज प्राइमरी रिसर्च एरिया विद इन द मेडिसिन। इस तरह से जो है वो मैक्सिमम डेथ जो है वो कार्डियालो या कार्डिक कार्डिक रिलेटेड जो कंडीशन है उनकी वजह से हो रही है, और इसलिए जो है इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। देन सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन इज द प्रोसेस यूज टू सेपरेट आर कंसनट्रेट मटीरियल सस्पेंडेड इन अ लिक्विड मीडियम बाय यूज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई की जाती है एक ऐसे सब्सटेंस पे जो लिक्विड मीडियम में होता है, देन उसकी जो है वो सेपरेशन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, और उसमें डिफरेंट जो है वो लेयर्स बन जाती हैं। देन कम्युलोमेनिसेंस, द प्रोसेस इन विच एनर्जी फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन इज रिलीज डायरेक्टली एज अ लाइट। तो इसमें जो है बेसिकली कम्युलोमेनिसेंस जो है एक प्रिंसिपल है या एक टेक्निक है जो डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उनमें ये यूज़ हो रही होती है, और इसमें जो है जितना इसमें डायरेक्टली जो है ये लाइट जो है वो रिलीज करती है, और इसमें जितना एनालाइट की कंसंट्रेशन होगी उतनी जो है उसकी लाइट जो होगी वो रिलीज होगी, और फर्दर जो लाइट की डिटेक्शन है वो डिटेक्शन होगी, और जो वैल्यू है वो हमें डिजिटल फॉर्म में दी जाएगी। देन क्रोमोजन, क्रोमोजन सब्सटेंस विच यूजली विच रिएक्ट्स विद एन एंजाइम आर डायरेक्टली विद एन एनालाइट टू प्रोड्यूस अ कलर्ड एंड पॉइंट। बेसिकली क्रोमोजन जो है वो कलरिंग एजेंट है, कलरिंग सब्सट्रेट है जो कि किसी रिएक्शन में हम यूज़ कर रहे होते हैं, और ये कलर देता है और फर्दर उस कलर की जो है वो डिटेक्शन होती है। जितना उस एनालाइट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी उतना वो क्रोमोजन के साथ रिएक्ट करेगा, उतना क्रोमोजन का जो कलर होगा वो प्रोड्यूस होगा, और उतनी जो है वो हमें वैल्यू उसकी मिलेगी। क्लिनिकल केमिस्ट्री, क्लिनिकल केमिस्ट्री दिस फील्ड डील्स विद द एनालाइजिंग द ब्लड यूरिन एंड अदर बॉडी फ्लूइड। क्लिनिकल केमिस्ट्री में बेसिकली हम एनालिसिस कर रहे होते हैं ब्लड का, यूरिन का और बॉडी फ्लूइड्स का, उनमें बेसिकली हम केमिस्ट्री के जो पैरामीटर्स हैं वो डिटेक्ट कर रहे होते हैं, लाइक प्रोटीन है, एंजाइम्स आर डिटरमाइंड। दिस रिजल्ट फ्रॉम दिस एनालिसिस इज यूज्ड एज अ बेसिस फॉर पेशेंट डायग्नोसिस, और पेशेंट की फर्दर जो डायग्नोसिस है उसके लिए हम जो है टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं। देन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन SD। बेसिकली जो है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है ये हमारी जो मीन वैल्यू है या हम जो डिटेक्ट करना चाह रहे होते हैं उससे जो है हम देखते हैं कि कितना जो है रिजल्ट जो है वो वेरी कर रहे हैं। देन कलरीमेट्रिक, कलरीमेट्रिक मेथड बेसिकली जो केमिस्ट्री में जितने भी टेस्ट परफॉर्म होते हैं वो कलरीमेट्रिक मेथड से जो है हम कर रहे होते हैं। कलरीमेट्रिक मेथड रिजल्ट इन अ कलर्ड एंड प्रोडक्ट, इसमें जो है बेसिकली जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो कलर्ड होता है। द इंटेंसिटी ऑफ विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट, इसमें जो है जितनी लाइट होगी जितनी इंटेंसिटी होगी लाइट की उतनी जो जितनी कंसंट्रेशन होगी किसी एनालाइट की उतनी जो होगी लाइट प्रोड्यूस होगी उसको डिटेक्ट किया जाएगा, और ये जो एनालाइट की जो हम मेजर कर रहे होंगे वो 400 to 700 nanometer जो उसकी वेवलेंथ होगी उस पर हम मेजर कर रहे होंगे। देन कॉन्जुगेट, दिस कंटेन द वेरियस एंजाइम्स लेबल्ड एनालाइट आर एंजाइम लेबल्ड डिटेक्शन एंटीबॉडीज यूटिलाइज इन अम्यूनो एसे टू जनरेट द मेजरेबल सिग्नल। कॉन्जुगेट बेसिकली जो है इसमें डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो लेबल्ड किए हुए होते हैं विद एनालाइट, एनालाइट जो है उनके साथ लेबल आर एंजाइम लेबल्ड जो है बेसिकली एंजाइम है उसके साथ कोई एंटीबॉडी जो है हम लेबल कर देते हैं जो उसके साथ अटैच कर देते हैं, और फर्दर जो है वो जब हम वो टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो वो एंटीबॉडी जो हमें डिटेक्शन देती है। देन कंट्रोल अ सीरम बेस्ड मटेरियल विच असाइन टारगेट वैल्यूज, बेसिकली कंट्रोल जो है किसी भी एनालाइजर को चलाने से पहले हम कंट्रोल जो है लगाते हैं, कंट्रोल जो है वो एक वैल्यू दे देता है अपर रेंज की वैल्यू और लोअर रेंज की वैल्यू हमारे एनालाइजर को जो है वो दे देता है। देन जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो हमारे जो टेस्ट की वैल्यू है वो इन्हीं कंट्रोल के जो कंट्रोल की वैल्यू इनके दरमियान जो है वो फॉल करनी चाहिए। कंट्रोल दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव कंट्रोल एक नेगेटिव कंट्रोल, या पॉजिटिव कंट्रोल को हम पैथोलॉजिकल कंट्रोल भी कहते हैं और नेगेटिव कंट्रोल को हम नॉर्मल कंट्रोल भी कहते हैं। तो पैथोलॉजिकल कंट्रोल में अपर रेंज की जितनी भी वैल्यूज हैं वो एडजस्ट करते हैं एनालाइजर पे, और नेगेटिव कंट्रोल जो है वो लोअर रेंज की या नॉर्मल जो पेशेंट होता है उसकी जो वैल्यूज होती हैं एनालाइट की वो मेंटेन करता है। देन कोरिलेशन, अ क्लियर पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन टू मेथड, किसी भी दो मेथड्स के दरमियान अगर पॉजिटिव रिलेशन है
तो उसको हम कोरिलेशन कहेंगे. देन क्रॉस रिएक्टिविटी व्हेन एन एंटीबॉडी बाइंड आर रिएक्ट विद प्रोटीन अदर देन द वन इट इट इज स्पेसिफिक फॉर. बेसिकली जो है एंटीजन एंटीबॉडी जो है दोनों स्पेसिफिक होती हैं, तो अगर एंटीजन एंटीबॉडी के साथ जो है एंटीजन अपनी स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट ना करे बल्कि किसी और एंटीबॉडी के साथ जो है वो रिएक्ट कर ले तो उसको हम क्रॉस रिएक्टिविटी कहते हैं. सी एस एफ स्टैंड फॉर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. देन कस्टम मेड क्वालिटी कंट्रोल इज मैन्युफैक्चर्ड टू मीट कस्टमर्स ऑन स्पेसिफिकेशंस. कस्टम मेड सीरा मे इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा एनालाइट्स, रिमूवल ऑफ अनवांटेड एनालाइट एंड अल्टरेशन ऑफ एनालाइट लेवल और अल्टरेशन ऑफ वायल साइज. तो कस्टम मेड बेसिकली जो है इसमें अपनी मर्जी से जो है वो सीरा जो है वो सीरा में कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं, या उसमें जो है एनालाइट के जो लेवल है उनको चेंज किया जा सकता है, या अल्टरनेशन ऑफ द वायल साइज, इसी तरह से वायल के जो साइज है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं. देन क्यूविट अ रिएक्शन वेसल यूज्ड इन फोटोमेट्रिक एनालाइजर. तो फोटोमेट्रिक एनालाइजर में जो है कि जो रिएक्शन वेसल जिसमें हम जो है अपना सीरम भी डालते हैं और रिएजेंट भी डालते हैं, वो दोनों को मिक्स किया जाता है, उसको हम क्यूविट का नाम देते हैं. साइटोपैथोलॉजी आल्सो कॉल्ड हिस्टोपैथोलॉजी द स्टडी ऑफ टिश्यू सैंपल ऑफ पेशेंट. साइटोपैथोलॉजी बेसिकली जो है वो हिस्टोपैथोलॉजी एक लैब का जो है वो अलग से सेक्शन है जिसमें हम टिश्यू रिलेटेड सैंपल जो हैं वो हम परफॉर्म करते हैं और उनकी जो है उनकी प्रोसेसिंग करते हैं और उनमें जो डिजीज है वो डिटेक्ट करते हैं. देन डायग्नोस्टिक किट a combination of reagents liquid or freeze dried which can be used in laboratory to measure the specific serum or urine parameter. diagnostic kit jo hai basically a combination of reagents hai, liquid mein bhi ho sakti hai ya freeze dried form mein bhi ho sakti hai jo hum laboratory mein use karte hain further apne jo hai wo test perform karne ke liye. disease marker also called biomarker. a disease marker is any serum component which raised or fall outside its normal range in response to disease. disease marker जो है वो किसी भी disease के response में किसी भी serum जब serum की value जो है वो raised होगी या fall होगी उसको हम disease marker कहेंगे जिससे basically detection हो रही होगी. then external quality assessment. external quality assessment जो है हमारे पास दो तरह के जो है वो quality हम maintain करते हैं lab में. एक internally हम उसमें calibrator use कर रहे होते हैं, control use कर रहे होते हैं, इसे हम internal क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं. देन एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल में जो है वो डिफरेंट लेबॉरटरीज के जो एक सैंपल लिया जाता है और उनको डिफरेंट लेबॉरटरीज पे जो परफॉर्म करते हैं और फिर मैच करते हैं डिफरेंट लेबॉरटरीज के जो रिजल्ट्स होते हैं उनको हम देखते हैं, उनमें वेरिएशन चेक करते हैं. तो इस तरह से जो है वो क्वालिटी एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट होती है या एक्सटर्नल क्वालिटी जो कंट्रोल है वो मेंटेन किया जाता है. फुली ऑटोमेटेड ऐसे एनालाइजर जो फुली ऑटोमेटेड हैं जो खुद ही जो है वो जो खुद ही जो है वो रिएक्शंस कर रहे होते हैं, रिएजेंट्स उठा रहे होते हैं, सैंपल उठा रहे होते हैं, देन उनकी जो है वो फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं, देन उनके जो रिजल्ट्स हैं वो हमें देते हैं. तो ऐसे एनालाइजर को हम फुली ऑटोमेटेड एनालाइजर कहते हैं. देन हिमोलिसिस लाइसिस ऑफ आरबीसीज विद इन द विद लिब्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन. तो बेसिकली जो है आरबीसीज की लाइसिस होना और उससे जो है हीमोग्लोबिन का बाहर आ जाना इसको हम हीमोलिसिस कहेंगे और ऐसा सैंपल जो होगा वो हीमोलाइज सैंपल होगा और ये बेसिकली रेड कलर जो होगा इसका वो रेड होगा और ऐसा सैंपल जो हीमोलाइसिस या हीमोलाइज सैंपल जो है वो हम लैब में एक्सेप्ट नहीं करते, इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि ये डिफरेंट पैरामीटर्स के जो रिजल्ट होते हैं वो वेरी कर रहे होते हैं हीमोलिसिस सैंपल के. इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल ये अभी डिस्कस किया है. देन इन विट्रो अ प्रोसीजर कैरिड आउट आउटसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. लैब में जितने भी टेस्ट होते हैं वो हम इन विट्रो परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनको जो है वो हम जब लैब में परफॉर्म करेंगे या आउटसाइड द लिविंग बॉडी जो है वो हम परफॉर्म करेंगे तो इन विट्रो कहलाएगा और उसी प्रोसीजर को अगर हम अ प्रोसीजर कैरिड आउट विद इन अ लिविंग बॉडी इज कॉल्ड इन विवो. तो ये आज का लेक्चर था. तो फर्दर अगर आप लोगों की कोई क्यूरी है तो काइंडली आप ग्रुप में पूछ सकते हैं.